नमस्कार, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे टिप्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाली कुछ सब्जियों के बारे में बताएंगे। सब्जियां खाने से कोलेस्ट्रॉल व हृदय रोग की संभावना कम होती है। इनसे शरीर को विटामिन व मिनरल्स मिलते हैं, जिनसे इम्यून सिस्टम तंदुरुस्त रहता है। नंबर एक, मेथी। रोजाना मेथी खाने से एनीमिया से राहत मिलती है। मेथी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी लाभदायक है। डिलीवरी के बाद इसे खाने से माँ को अच्छा दूध आता है। नंबर दो, पालक। इसमें आयरन कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो एनीमिया में लाभदायक है। पालक व अन्य हरी सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स, फोलिक एसिड व फाइबर्स होते हैं। नंबर तीन, गाजर। गाजर में विटामिन ए, कैरोटीनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है। गाजर के सेवन से लंग कैंसर की संभावना कम होती है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है एवं मोतियाबिंद की संभावना को भी कम करता है गाजर। नंबर चार है टमाटर। टमाटर का नियमित सेवन दिल की बीमारी में आराम पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो नियमित रूप से टमाटर का जूस पिएं। टमाटर LDL बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में भी सहायक होता है। इसमें लाइकोपेन होता है, जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके नियमित सेवन से त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों से लेकर हार्ट अटैक जैसी संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचने में आसानी हो।